महादेव की गुफा के अंदर तक पहुंची अलकनंदा। बारिश के बाद विकराल रूप में बह रही नदी। पहाड़ों में शुक्रवार रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा भी जलमग्न हो गई है। गुफा में अलकनंदा का जल अपने आप भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रही है। दूर दराज से भक्त कोटेश्वर भगवान की गुफा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन गुफा के जलमग्न होने से भक्त गुफा में नहीं जा पा रहे। मान्यता है कि गौत्र हत्या से मुक्ति को लेकर पांडव जब स्वर्गारोहिणी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने इस गुफा में कुछ समय तक विश्राम किया, साथ ही साथ भगवान शंकर की आराधना की, लेकिन भगवान ने उन्हें यहाँ भी दर्शन नहीं दिए। कोटेश्वर मंदिर के महंत महाराज ने बताया कि साल के सावन महीने में एक दिन ऐसा आता है जब माँ भगवती अलकनंदा स्वयं भगवान शंकर का जलाभिषेक करती है। ये यहाँ पे पूर्व कहावत है कि भगवान शंकर जी यहाँ गुफा में विराजमान है और आदि अनादिकाल से जब तक जब से भगवान गंगा जी अलकनंदा जी का प्रादुर्भाव हुआ तब से आज तक ये नियम है कि श्रावण मास में एक दिन अवश्य में भगवती अलकनंदा विष्णुपदी जो है भगवान शंकर का अभिषेक स्वयं करती है। ये आज भी हम देख रहे हैं, आज भी जो है इसी प्रकार से भगवती अलकनंदा जो है भगवान की गुफा में जो है भगवान का अभिषेक कर रही है। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफान पर बह रही है। नदी का खतरे का निशान 626 मीटर है और यहां नदी 625 मीटर पर बह रही है। लगातार बारिश के बाद नदी खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। अलकनंदा नदी के उफान में आने से रुद्रप्रयाग में स्थित प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा भी जलमग्न हो गई है। दूर से ही भक्त भगवान कोटेश्वर को जलाभिषेक कर रहे हैं। कोटेश्वर महादेव प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ साल भर भक्त आते रहते हैं। यहाँ भगवान शंकर की कोटेश्वर के रूप में पूजा होती है। मौके पर मौजूद सहयोगी से जानेंगे मौजूदा हालात। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पे आ गए हैं। इस समय हम विश्व प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी का जल स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि जो कोटेश्वर महादेव की प्रसिद्ध गुफा है गुफा तक नदी का पानी पहुंच गया है। गुफा तक नदी का पानी पहुंचने से जो भी भक्त यहां पहुंच रहे हैं वह भगवान कोटेश्वर का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुफा की ओर जाने वाला रास्ता है, लेकिन गुफा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुँच गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि सावन के महीने में माँ अलकनंदा स्वयं यहाँ पर भगवान कोटेश्वर का जलाभिषेक कर रही है। आप इस शॉट पे देख सकते हैं कि जब भक्त गुफा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नदी किनारे ही यहां पर माँ गंगा के अलावा भगवान कोटेश्वर को जल अर्पित कर रहे हैं। भारी संख्या में जनपद के अनेक हिस्सों से भक्त यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण भक्त कोटेश्वर भगवान का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। नदी के दूसरे छोर से ही लोग भक्त यहाँ पर मात्र भगवान कोटेश्वर को जल अर्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम से बहने वाली अलकनंदा प्रचंड वेग धारण करके बह रही है। नदी का जल स्तर काफ़ी फैल गया है। नदी किनारे जो भी स्नान घाट मौजूद थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। जो नदी किनारे स्थित घर हैं प्रशासन के द्वारा उनको भी यहां पर खाली करवाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा आम लोगों से अपील की जा रही है कि वह बरसात के समय नदी का जल स्तर बढ़ने के दौरान नदी किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। परवीन से माल।